श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाके असला हक निस्वत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चरण कमल में ब्रह्मात्माएं रहती है, इन चरण कमल को नहीं छोड़ती है। इस माध्यम से पूरे परमधाम का वर्णन यहाँ पर समझाया इस प्रकरण में। आगे वाला प्रकरण भी इसका पूरा की है। इन बाग तले जो बाग है, पहले फूल बाग का वर्णन था, फूल बाग के नीचे दूसरा बाग है, उसी प्रकार का है, तो उसमें और ज़्यादा तेज है, इसलिए उसको नूर बाग कहा। एक यूँ कहे जुआ सिफत, इसकी महिमा इस जुआ से कैसे बताई जाएगी। ए मोमिन कदम क्यों छोड़े जाके असल हक निस्वत। इन बागों का सुख लेने वाली ब्रह्मात्माएं, जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। मोर चकोर मैना कोयली कई विद बन टूकत। तो उस बाग में और आसपास में भी बाग तो है ही, ये भी बहुत बड़ा है। ये नूर बाग, फूल बाग छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं, और बीच बीच में वृक्ष हैं। वहाँ बड़े वृक्ष नहीं है, छोटे छोटे वृक्ष हैं। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, मोर, चकोर, मैना, कोयल, कोयल, कई विध बन टूहका था, ऐसे वन में टूहकार करते हैं। पक्षी बोलते हैं ना उसको, टूहकते हैं ऐसा बोलते हैं। रुए कदम सुख सुपने ले वहीं जाके असलह कनिष्वत। तो ब्रह्मात्माएं तो श्री राज्य के साथ में इन दृश्यों को देखती है, तो उनके चरणों का सुख प्राप्त करती रहती है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। यों खेले झीले चेहे बच्चे जल फुहारे उछलत। वहाँ पर उस दिशा में भी बड़ा चेहे बच्चा, बड़ा बड़ा जल कुंड है, तो वहाँ से फिर जल निकलता है। इन बागों में भी अलग अलग प्रकार के जल कुंड हैं, नहरें चलती हैं, तो उसमें झीलते हैं, खेलते हैं, और वहाँ फुहारे वगैरह उछलते हैं, तो उनका आनंद लेते हैं। सो क्यों रहा यहाँ का कदम बिना। अक्षराते धामधनी के साथ में इन सुखों का अनुभव करते हैं, तो उनके चरणों के बिना ये ब्रह्मात्माएं कैसे रह सकती हैं। जाके असलह का निस्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। रूहें खेले लाल चबूतरे, अब वहाँ से लाल चबूतरे के तरफ, ये फूलबाग नूरबाग पश्चिम की दिशा की तरफ थे, अब लाल चबूतरे की तरफ उत्तर दिशा की ओर आ रहे हैं। तो वहाँ लाल चबूतरे में बैठते हैं, तो अलग अलग पहल में बैठने के स्थान हैं, तो उससे आगे जो भी वन है, तो वन में अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों के झुंड हैं। पक्षियों के झुंड तो ज़्यादातर आकाश में वृक्षों में होंगे, और नीचे जमीन में अलग अलग प्रकार के पशु हैं, उनमें से उसके लिए कह रहे हैं कई रंगों हाथी झूमत। वहाँ जहाँ हाथियों का झुंड होगा, वो कई रंग के हाथी मिलेंगे, तो उनका दर्शन करती हो ब्रह्मात्माएं, उनको देखती है, उनके खेल को देखती है अक्षराते धामधनी के साथ में।
तो सो क्यों रहे हक कदम बिना। तो ऐसी आत्माएं जिनका संबंध अक्षरातीत से है, वो उनके चरणों के बिना कैसे रह सकती है। जाकी असल हक निस्वत। कई बाग चीते दीप केसरी, कई प्रकार के बाघ, तो वहाँ बाघ भी भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे, चीते वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के, सबके अलग अलग झुंड हैं, उनको अखाड़ा भी कहा है, दीप दीपड़े, तो वो भी एक प्रकार से बाघ की जाति का ही है, केसरी सिंह, तो ये सारे ना एक ही जाति के हैं, एक ही वंश में आते हैं, किंतु हैं सब अलग अलग। सबसे श्रेष्ठ है वो केसरी है, बोले कूदे घर जाता, वो बोलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, गर्जना करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गर्जना भी उछलते भी हैं और गर्जना करते हैं। रुए क्यों रहे यह का कदम बिना। तो ब्रह्मात्माएं अक्षराते धामधनी के साथ में उनकी अलग अलग कुशलताएं देखते हो, तो वो अक्षराते धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती। रूहें क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निश्वत। तो ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना नहीं रह सकती। कई विध बाजे बाजही बजावही इत बांदर नट नाचित। अब वहाँ कहीं पर बंदर वगैरह, तो वो दूसरे खेलते भी हो ना, दूसरे पशु, तो बंदर वगैरह वो वाद्य यंत्र बजाते हैं, वैसे वाद्य यंत्र अपने आप भी बजते हैं और बंदर भी बजाते हैं। ये तो बांदर नट नाचत, बंदर भी नट की भांति नाचते हैं, और कोई बजाते हैं और कोई नाचते हैं। और ब्रह्मात्माओं को, श्रीराज जी को, श्यामा जी को प्रसन्न करते हैं। तो रूहें सुपने कदम न छोड़ ही, जाकी असल हक निश्वत। इन दृश्यों को देखने वाली आत्माएं स्वप्न में भी श्रीराज श्यामा जी के चरण कमल को नहीं भूलती है। कई बड़े पशु पंखी अरस के, कई उड़े खेले कूदत, कई बड़े बड़े पक्षी वगैरह हों तो वो दो उड़ते हैं आकाश में, कई पशु वगैरह दौड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं वो दौड़ भी सकते हैं जमीन में और आकाश में उड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार के, तो ये सब ऐसे उड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। रूहें क्यों रहे हक चरण बिना, जाकी असल हक निश्वत। इन दृश्यों को देखने वाली आत्माएं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। कई विदयों मधुबन में सुख लेवे चित चाहत। इस प्रकार वहाँ बड़ा वन से लेकर के मधुबन, फिर महाबन, तो ऐसे मधुबन में भी सुख लेती है ब्रह्मात्माएं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना रह नहीं सकती, उसको कभी भूलेगी ही नहीं। बड़े महल जो पहाड़ से, बड़े बड़े महल पर्वत की भांति देखने वाले, तो जिनका नाम भी पर्वत ही कहा है, जैसे पुखराज पर्वत है, तो उनकी बात कर रहे हैं। इतर रूहें कई खेलें जुगत, वहाँ ब्रह्मात्माएं कई प्रकार के से खेल खेलती हैं, युक्तिपूर्वक खेल खेलती हैं। सो सुपन कदम न छोड़ी, जाके असल हक निश्वत। ऐसी ब्रह्मात्माएं स्वप्न में भी अक्षराते धाम देने के चरण कमल को नहीं भूलती है। चार मोहल बड़े थम्ब ज्यों, तो वहाँ पोखराज पर्वत में बीच में बड़ा महल है और उसके चार तरफ, चारों तरफ चार महल, स्तंभ की तरह से लगेंगे, लेकिन है बहुत बड़े बड़े महल, उसके लिए कह रहे हैं। सो ऊपर जाए मिलत, ऊपर जा कर के वो चारों फिर एक हो जाते हैं, तो बीच का उसके लिए आगे वर्णन करते हैं, इसलिए यहाँ चार का ही वर्णन किया। रुहे इत सुख कदमों ले वहीं, जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी के चरण कमल का सुख प्राप्त करती है, वहाँ भी उनके सानिध्य में
वहाँ के दृश्यों को देखती है जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। हजार हाँसे जित गर दबाए, बीच मोहल बड़े बीच बेराजत। अब बीच का महल, ये चार दिशाओं में चार महल हो गए और बीच का महल हजार हाँस वाला वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे उसमें जिसके चारों तरफ हजार हाँस का चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर महल, इतरोहे सुख लेवे चरण का। यहाँ भी ब्रह्मात्माएं अक्षराते धामधने के चरणों का सुख लेती है। जाके असल हक निश्वता, जिनका असल संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। पहाड़ पुखराजी मोहल में सुख चांदनी लेवता। अब उससे पूर्व की ओर दूसरा महल है, पुखराजी महल, और पुखराज के पुखराज ताल भी उसके महल के ऊपर चांदनी में भी बहुत सुख प्राप्त करती हैं ब्रह्मात्माएं, आनंद लेती हैं। सो क्यों राय हक कदम बिना, जाके असल हक निश्वता। तो अक्षराते धामधनी के चरण कमल को छोड़ करके ऐसी ब्रह्मात्माएं कैसे रह सकती है। अति बड़े चार द्वार चांदनी, कई हाथी हलकों आवत। पुखराज पर्वत के ऊपर चांदनी में तो बड़े बड़े चार द्वार है चारों दिशाओं में। कई हाथी हलकों आवत, कई हाथी हैं ऐसे, कई झुंड के झुंड बना करके, हलका करने का तात्पर्य झुंड के झुंड बना करके वहाँ पर आते हैं। चरण छूटे ना इन खाबंद के, जाके असल हक निश्वत। जिन ब्रह्मात्माओं का असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, उनसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल छूटते नहीं हैं। बड़े पशु पंखी इन चांदनी, हक आदि मोहला लेवत। इन चांदनी में बड़े बड़े पशु पक्षी ये सब श्रीराज जी श्यामा जी के मोहला लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं वहाँ आकर के। रुए ए चरण क्यों छोड़ ही, जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्मा है ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। हाथी बाघ चीते दीप केसरी, अब वहाँ देखो कैसे कैसे जानवर जाते हैं। हाथी है, बाघ हैं, चीते हैं, दीप दीपड़े वो भी बाघी बाघ के जाति के ही हैं, केसरी। तो ये सब कोई जाते हैं गिन ना सकता, कई जाति के ऐसे पशु हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते। हक कदम रूहे क्यों छोड़े ही, जाके असल हक निश्वता। अक्षराते धामधनी के दर्शन के लिए आते हैं और अपने अपने कला दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक जानवर हैं। तो अक्षराते धामधनी के साथ में रह करके इन दृश्यों को देखने वाली ब्रह्मा आत्माएं उनके चरण कमल को कैसे भूल सकती है, ये कहना चाहते हैं। हक कदम रूहे क्यों छोड़ ही, जाके असल हक निश्वत। तो उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। ए निपट बड़ा मोहल चांदनी, ए त कई मिलावे मिलत। यहाँ चांदनी में बड़े बड़े मोहल, तो उनमें ए त कई मिलावे मिलत। यहाँ पर तो बैठक बहुत है, बहुत बैठक है, तो उसमें भी बैठते हैं। रूहे न छोड़े हक कदम, जाके असल हक निश्वत। जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, ऐसी ब्रह्मात्मा उनके चरण कमल को नहीं छोड़ती है। बड़े चार द्वार चबूतरों क्यों कहूँ दहलानु सिफत। वहाँ चबूतरे में भी चार द्वार, तो वो कैसे हैं कि उसमें भी चारों कोने में स्तंभ है, ऊपर तो छत है, तो चारों तरफ के द्वार उस प्रकार से खुले हैं। तो क्यों कहूँ दहलानु सिफत, दहलान की बात करें, उनकी महिमा क्या बताएं। ए सुख लेवे मोमिन कदमों, जाके असल हक निश्वत। तो जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, ऐसी ब्रह्मात्माएं ऐसे ऐसे स्थानों का सुख श्री राज्य के चरणों में रह करके लेती है। ए अति ऊंचे मोहल बीच के, हक सुख आकाशी देवत। अब बीच में महल हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो आकाशी महल, चारों तरफ के वो अलग महल हैं, फिर वहाँ दहलान वगैरह भी हैं। अब ये बीच के महल हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं चारों तरफ के सबसे, तो वो आकाशी महल हो गए। उनका सुख भी अक्षराते धामधनी इनको देते हैं।
रोए एक कदम क्यों छोड़ी जाके असलह कनिष्वत। तो ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है। हकादि रुए बड़े मोहल में इन गुरुजों सुख को गिनत। श्री राजी श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं इन बड़े बड़े महलों में वहाँ अलग अलग स्थानों में जाते हैं तो ब्रह्मात्माएं अलग अलग सुखों को गिनती हैं, राज्य दिखाते हैं, देखो यहाँ भी बड़ा आनंद आता है, इधर भी बड़ा आनंद आता है। तो ब्रह्मात्माएं बड़े प्रसन्न होती हैं। एक कदम सुख मोमिन जान ही, श्री राज्य के चरणों में जो सुख प्राप्त होता है वो तो ब्रह्मात्मा ही जानती है, क्योंकि उनका ये असल संबंध अक्षरातीत से है, जाके असल हक निस्वत। सुख लेत ताल मूल जो एक कई विध केल करत। अब ताल के सुख लेत ताल मूल जो एक जोए यमुना जी के मूल का ताल है वो पोखरा जी ताल हो गया, तो ऊपर से तो वो पुखराज पर्वत से उसमें उसके धाराएं वहाँ से गिरती है उसमें, तो ये वो उस ताल में भी कई विध केल करत। तो वहाँ भी परमात्मा अलग अलग प्रकार का आनंद लेती है, क्रीड़ाएं करती हैं। रूहे क्यों छोड़े हक चरण को जाके असल हक निश्वत। तो ब्रह्मात्माएं जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है तो वो इन चरणों को कैसे छोड़ सकती है। मोहल बड़े ताल ऊपर रूहे सुख लेवे हक समित। ताल के ऊपर ताल और ताल के चारों तरफ बहुत ऊंचाई तक मोहल हैं बड़े बड़े, तो ब्रह्मात्माएं वहां भी सुख प्राप्त करती है। एक यूँ छोड़े हक कदम को जाके असल हक निश्वत। तो वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है, नहीं छोड़ेंगी। दोनों तरफ महल के आगू जित दरखत। अब ये महल के दोनों तरफ, अब ये तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये महल पहाड़ के भांति महल है, उनके दोनों तरफ वो भी बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वृक्षावली है वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। इसलिए कहा आगू जिन दरखत, जित दरखत जिनके आगे दरखत वृक्ष हैं। सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाके असल हक निश्वत। वहाँ ऊपर आकाशी में चढ़ करके, आकाशी महल के भी ऊपर चांदनी में चढ़ करके चारों तरफ के दृश्य को देखने वाले ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके असल हक निश्वत दोनों तरफ महल के आगो जित दरखत। सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाके असल हक निश्वत। जाके असल हक निश्वत।